हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई टी फाउंडेशन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आईटीआई फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। इसके अलावा देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ड्राइंग के अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस का हो या फिर आपके जो है ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट्स हो, सभी सब्जेक्ट के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, सीबीटी एग्जाम्स के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है, वो रेगुलर इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है मैं आप सभी तक पहुंचाता रहूंगा। तो यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही यहाँ से हम वीडियो अपलोड करें तुरंत नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग देखिए, जज कीजिए कि किस तरीके के जो है क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल, उपकरण का नाम पहचाने। इस उपकरण का जो है नाम आपको पहचानना था। तो सिंपल सा यार, इसको देखने से पता चल रहा है, दोनों तरफ से क्या है, ये ओपन है, ठीक है, दोनों एंड आपको पता है, ये इसका एक फर्स्ट एंड है और ये इसका सेकेंड एंड है, दोनों एंड क्या है, ओपन है, तो इसको हम बोलेंगे ओपन एंड स्पैनर, ठीक है, ओपन एंड स्पैनर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है आपके ड्राइंग के सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। सेकेंड है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है। तो आपने सभी ने सुना होगा, इसे हम डी कहते हैं या फिर हिंदी में चांदा भी इसे कहते हैं, जिससे एंगल बनाए जाते हैं, इंग्लिश में इसे प्रोटेक्टर कहते हैं। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है इसका राइट आंसर। तो देखिए, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है उसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्टर, ठीक है, राइट आंसर जो है इसका यही हो जाएगा, प्रोटेक्टर। देखिए अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रिज्म, इस प्रिज्म का नाम बताइए। दोस्तों, ये प्रिज्म है, प्रिज्म में होता क्या है, एक्चुअल में जैसा बेस होता है वैसा ही टॉप होता है, ठीक है, जैसा बेस वैसा टॉप। तो यहाँ पे अब जो बेस है या फिर टॉप है, किसी भी एक को देख लो, वन साइड, सेकंड साइड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, छह साइड इसके ऊपर बनी हुई है, ठीक है, कितनी साइड है, छह साइड, छह भुजाएं एक तरीके से, यहाँ पे इन छह साइड्स को अपन बोलेंगे छह भुजाएं, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, ठीक है, टोटल छह। तो हेक्सागन हो गया, क्या हो गया है, हेक्सागन, हेक्सागन प्रिज्म हो गया। आप देखते हैं ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी जो है उसी में लिखा हुआ है हेक्सागन प्रिज्म, ठीक है, हेक्सागनल प्रिज्म जो है ये यहाँ पे बना हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन सी। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। तो देखो यार, ये हैमर है, ठीक है, डायरेक्टली आपको ये तो पता ही चल रहा है कि ये हथौड़ा है, लेकिन हथौड़ा है कौन सा, तो आप यहाँ पे देखो यार, इसके डायग्राम से हमें पता चल रहा है ये क्या है, बॉल पिन, बॉल के जैसा बना हुआ है ना, तो इसी को बोलेंगे बॉल पिन हैमर, ऐसा अगर बॉल के जैसा बना हुआ हो, ठीक है, एक सिरा, तो उसको बोलते हैं बॉल पिन हैमर। तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, बॉल पिन हैमर, ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन ए। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन, विच सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर ए इज करेक्ट एज पर आई एस स्टैंडर्ड। आई एस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर पूछा है। देखो ध्यान से समझिएगा, सिंगल स्ट्रोक मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए और वर्टिकल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल। और इंग्लिश में इसने देखो यार, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में लिखने में इसने थोड़ा सा प्रॉब्लम किया है, बाकी यहाँ पे इसने लिखा है इंक्लाइंड, ठीक है, इंक्लाइंड का मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा, ठीक है, तो तिरछे में कौन सा है, देखो यार सिंगल स्ट्रोक, बाकी सारे के सारे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 7:5 जो है यही बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रोक में है और ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम अब कोई भी बता देगा यार, इस ट्राइंगल का क्या नाम है, ठीक है, ये राइट एंगल है, एक तरीके से समकोण त्रिभुज है, तो राइट एंगल त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है, ये देखो छह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, प्रेजेंट समय में आप सभी को पता होना चाहिए ड्राइंग में से केवल और केवल छह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
तो आप लोग चाहते हो कि ड्राइंग के भी 6 में से 6 क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही हो ताकि आपका परसेंटेज शानदार बने, तो इसके लिए आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ रेगुलर। जो है आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपके ट्रेड्स हैं, सभी ट्रेड्स के सभी सब्जेक्ट के ओल्ड पेपर आपको यहीं से मिलते रहेंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।